पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दमोह की पथरिया सीट से बीएसपी की चर्चित और दबंग विधायक रामबाई सिंह के कारनामे अक्सर लोगों को देखने मिलते हैं। जब रामबाई अपनी दबंगई को लेकर अफसरों को सरेआम खरी खोटी सुनाते नजर आती हैं, इस बार उनका एक नया रूप देखने को मिला जब वो वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के पैर छूने के साथ ढोलक की थाप पर बुंदेली भजन गाती हुई दिखाई पड़ी। दरअसल रामबाई अपने पति गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाने वृद्धाश्रम पहुँची थी। बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह दमोह के चर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जेल की सलाखों के पीछे हैं और सोमवार को गोविंद का जन्मदिन था। जेल में बंद पति के जन्मदिन पर विधायक ने बुजुर्गों की शरण ली। हमारे पति गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है, मैं उसी के खुशी मनाने के लिए वृद्धाश्रम आई हूँ, जहाँ पे हमारी बुजुर्ग माँ हैं और बुजुर्ग हमारे पिता के समान सभी लोग हैं। तो मैं इनके बीच में आई हूँ और मैंने देखा है कि सभी लोग बहुत जुल मिल के रहते हैं, बहुत खुश हैं। हालांकि एक बहुत दुख की बात भी है कि आज इनके परिवार में बहुत से इनके परिवार के भी हैं जिन बच्चों को इनने जन्म दिया, आज वो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और आज वृद्धाश्रम में छोड़ के गए हैं। ये तो सरकार की योजना है और सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो सर्व सुविधाएँ इधर दिए हुए हैं, कोई दुखी नहीं है, सब चीज़ों की संपन्नता है। पर अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने नाती पोता सबको याद आते हैं, भले ही एक दूसरे से सब बताएं, सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, मिलते हैं, पर ये सत्य है कि आज इनको अपने बच्चे की, बहू की, अपने नाती पोतों की, अपने परिवार की ज़रूरत है और ये बहुत दुखी है कहीं ना कहीं। बस जैसे अभी एक महिला रो रही, दादी रो रही थी, तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये लोग। तो मैं आपके माध्यम से इस भारत के हर एक नागरिक से कहना चाहती हूँ कि जिनने हमें जन्म दिया, अगर उनको ही तुम सुखी नहीं रख सके, उनको ही सुख नहीं दे सके, तो जीवन में तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता, ना मंदिर बनाने से, ना तीर्थ करने से, ना भागवत करने से और ना कि कुछ भी काम करने से आपको पुण्य लाभ कभी नहीं मिलेगा। अगर कुछ है तो माँ के चरणों में ही जन्नत है, माँ के चरणों में ही सब कुछ है। और जब माँ बाप दुखी हैं और इन्हें ऐसी आप स्थिति में छोड़ के इधर कर गए हैं, तो आप कहाँ से सुखी हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, तो जैसा इनके साथ इनकी औलादों ने किया है वैसा ही उनके साथ इनकी औलाद करेगा, क्योंकि ये तो है एक हाथ दो एक हाथ लो। तो आज मैं बीच आई हूँ, इन सबके बीच सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे पति जेल में हैं, आप सभी जानते हैं निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, इसके बावजूद भी वो भीतर हैं। मैं सभी माताओं से आशीर्वाद लेने भी आई हूँ कि सदा हर आदमी सुखी रहे, कभी किसी पे कोई आँच ना आए और इनके लिए भी जीवन में कोई इधर रहें तो कोई दुख तकलीफ ना हो। और मेरा सहयोग जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, मैं सदा इन लोगों के बीच में खड़ी रहूँगी। इसके लिए तो खुश सभी हुए हैं और मैं सभी को फल वगैरह भी लाई हूँ और सभी महिलाएं जितनी 18 हैं उनको साड़ियाँ भी लाई हूँ और जो पुरुष हैं 12 उनके लिए मैं टावल मंगवाई है, दी है। तो मैं सबके लिए जो कुछ मुझे लगा सही मैं सबको लेके आई हूँ और मुझे भी खुशी मिली है। और मैं कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं पहले कभी आई नहीं हूँ इनके बीच में, पर मैं अब जब भी कभी ऐसी मतलब कोई भी बात आएगी या कोई मतलब खुशी का मौका हो या कुछ भी हो तो इनके बीच में मैं आती रहूँगी बीच बीच में, और जब भी कोई ज़रूरत इनको पड़ेगी तो मैं अपनी तरफ से हेल्प करूँगी।
पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।